हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सीताफल रबड़ी। सीताफल रबड़ी ये एक बहुत ही अच्छी डिश है और आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए पहले हमने ये 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसे हम उबालने के लिए रखा है। जब हम इसे उबालेंगे तो इसे कढ़ाई के तले तक चमचा लेके जाके उसे अच्छे से हिलाना है। नीचे लगना नहीं चाहिए दूध, नहीं तो रबड़ी का टेस्ट खराब हो जाता है। इसलिए इसे कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, पर हमें इसे और भी गाढ़ा करना है, इसलिए कंटिन्यूसली हम इसे स्टर करते रहेंगे। और तो ये जो हमने मिल्क लिया है, ये फुल फैट मिल्क लिया है, तो अच्छे से हम इसे हिलाते हुए इसे और गाढ़ा करेंगे। ये हमारा दूध गाढ़ा होके अभी 3/4 रह गया है। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम कर देंगे और इसे पकाते रहेंगे। हम जैसे ही उसके ऊपर जो मलाई आती है उसको हम साइड में लगाते रहेंगे। हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा दूध 250 ml रह जाता है। तब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मलाई हम लोगों ने साइड में निकाल ली है। थोड़ी थोड़ी करके हम जैसे जैसे ऊपर मलाई आ रही है हम इसे साइड में ले रहे हैं। ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा होकर 250 ml नहीं रह जाता। तब तक हम ये प्रोसीजर करते रहेंगे और ये ऐसे धीरे 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 में साइड में लगानी है मलाई, और बीच में थोड़ा थोड़ा दूध को भी हिलाना है, नहीं तो वो नीचे तले में लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी साइड से ऐसे मलाई कढ़ाई के ऊपर जमा ली है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सभी साइड से मलाई जम गई है। अब हम ये 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर इसमें ऐड करेंगे। हम इसे इसमें हरी इलायची का पाउडर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें सीताफल कस्टर्ड एप्पल का फ्लेवर लाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसमें हरी इलायची नहीं डाली है। ये हमारी शुगर अभी इसमें पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और साइड में जो मलाई हमने लगा के रखी है उसे निकाल देंगे और फिर सर्विंग डिश में हम निकाल के उसे ठंडा करने के लिए रखते। तो ये हमने अभी 2 सीताफल लिए हैं कस्टर्ड एप्पल, जिसका हमने बीज निकाल के लिया है, और ये अब हम इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ये करके इसमें मिक्स करती हूँ। ये आपके चॉइस के अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सकते हो। ये हमारी सीताफल रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्रीज में थोड़ा ठंडा करने के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीताफल रबड़ी की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।